आपकी तरफ से प्रकृति के चरणों में 101 रुपये का श्री भगवान बनाए रखें, धन लक्ष्मी के भंडारे भरपूर रखें, घर में सुख शांति प्रदान करें। माताएं देवियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग न जाने कैसे खड़ी हो जाते हैं दो चार घंटे राम राम। गोदी में बच्चे भी हैं, एक इधर है एक उधर है एक ऊपर है, राम राम बना देंगे आप लोग खड़ी रहिए। क्या बात है, जगह तो उधर बहुत है, जो यहाँ से खड़े होकर दिख रहा है ना वो आपको बैठने भी नहीं है, तो आप लोग बैठ नहीं जाइए, इससे तो क्यों परेशान हो रही है, क्योंकि समझ में आ रहा है हम का काम क्या करें, थोड़ा बैठ जाइए ना तो आप थोड़ा अच्छे भी लगेंगे। अब तो आप बुरा देगा श्री राधे, ये जो माता खड़ी है बैठ जाए आप लोग, सामने जो खड़ी है आप लोग बैठ जाए, बैठ करके भगवान की लीला के दर्शन करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान की झांकी लगी है, मोर भगवान की झांकी, जो कि आज भी बरसाना में हजारों की संख्या में मोर भगवान नृत्य करते थे, तो मोर भगवान की झांकी है। जो भी अपनी सुख कमाई में से दान करना चाहता है, भगवान के चरण स्पर्श करना चाहता है, वह आ सकते हैं, नहीं तो ये कलश आप लोगों के पास में आएगा, इसमें अपना दान छोड़ दे करें आप लोग। श्रीधाम वृंदावन में लोहा लगनी नाम से जो आश्रम है वहाँ भी गौशाला है, तो गौओं की सेवा होती है, ये आपका दान वृंदावन जाता है, गौ सेवा में जाता है। जो भी इसमें अपना दान श्रद्धा के साथ छोड़ना चाहते हैं तो हमारे एक भाई आए इस कलश को ले जाएं, सभी के पास इस कलश को पहुंचाया करो, जिसकी जो श्रद्धा है, ये नहीं कि 500 ही डालना है, नहीं 500 की आज डालना है, वो भी वृंदावन गौ सेवा में जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। तो एक भाई साहब आ जाएं इस कलश को ले जाएं, यहाँ से कोई भी भाई उठा करके सभी के पास पहुँचाएँ, और जो ऊपर आना चाहते हैं वह भगवान के चरण स्पर्श करें। बंधुओं, ये तो भगवान की झांकी है, भगवान की लीला है, भगवान की लीला, भगवान की झांकी बड़े सौभाग्यों से प्राप्त होती है। वृंदावन में इस समय बहुत भारी भीड़ लगी है, ना जाने कहां कहां से नर नारी आ रहे हैं दर्शनों के लिए, अपार संख्या में वहां पर भीड़ है, तो ये तो सौभाग्य की बात है जो कि हम लोग वृंदावन से चल करके आप लोगों के बीच में आए हैं। हम लोग यहाँ 16-17 मूर्ति हैं, ब्राह्मण हैं, सभी आप लोगों के बीच में पधारे हैं, यज्ञ भगवान का आयोजन चल रहा है, आज 5वां दिवस है यहाँ यज्ञ भगवान का, भगवान की लीला का भी 5वां दिवस है, तो आज भगवान की बड़ी सुंदर लीला, श्यामा श्याम मिलन लीला, राधा जी की गोद भराई आज माता यशोदा के द्वारा की जाएगी, जैसे आप और हम आप लोग सभी विवाह करते हैं उसी प्रकार से यहाँ राधा जी की गोद भराई के आप लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद भगवान की माखन चोरी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध की लीला है, जो भगवान को अति प्रिय थी, मक्खन चोरी लीला की भी आप लोग दर्शन करेंगे, समय के अनुसार आप लोगों को यहाँ लीला दर्शाया जाएगा, तो आप लोग आए भाव बनाते हुए भगवान के चरण स्पर्श करें। यहाँ देखते हैं लोग आते ही नहीं है, मंच पर आने से डरते हैं, नहीं ये कोई ऐसा वैसा नाच नौकर की वाला मंच नहीं, यहाँ पर कथा भी हो रही है, यहाँ पर लीला भी हो रही है, यहाँ पर यज्ञ भी चला हुआ है, दूर दूर से विद्वान लोग यहाँ पर पधारे हैं, उनके दर्शन करना, सभी को दान दक्षिणा देना, ये आप लोगों का कर्तव्य है। कहा गया है गोकोट दानम ग्रहण काशी प्रयाग गंगा कल्प वासा, कोट कोट गौओं का दान, ग्रहण में काशी प्रयाग में गंगा स्नान, ये सभी साधन मनुष्य को सुख देने के लिए बनाए हैं। तो आपके यहाँ तो प्रयाग का मेला लगा हुआ है, जहाँ यज्ञ होता है वहाँ सभी तीर्थ विराजमान होते हैं, तो आप लोग निसंकोच अपना दान दिया करें, दान वहाँ पैसा वहाँ नहीं देना चाहिए जहाँ वेश्या का नाच हो, दान देना चाहिए जहाँ भगवान की कथा हो, भगवान की लीला हो, भगवान का यज्ञ हो, भगवान का मंदिर हो, दान वहाँ देना चाहिए।
दान की जिससे भी गति हो जाए वह हमें आगे चल के प्राप्त हो जाए, दान वहाँ देना चाहिए। तो आप लोग आए, बांकी बिहारी लाल की लीला है, कलश आप लोगों के बीच में आ रहा है, उसमें अपना दान छोड़े, जिससे भी जो देना है। और जो सामने माता खड़ी हैं, आप लोग बैठ करके नहीं जाते हैं, बैठ जाएं, बैठ करके भगवान की लीला के दर्शन करें। आज की लीला थोड़ा समझने वाली है, ब्रज की लीला है, तो ब्रज भाषा, अवध भाषा, मिथिला भाषा, ये तो वेदों की भाषा है। तो हम लोग ब्रजवासी हैं, ब्रज की लीला आप लोगों को दिखाएंगे, तो आप लोग थोड़ा जो है लीला को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे हमारे कलाकार आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे, परंतु फिर भी अपनी मातृभाषा हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। थोड़ा तो ब्रज की भाषा आती है, मिलावट तो करनी ही पड़ेगी। जब दूध में ही मिलावट हो जाती है तो लीला में भी मिलावट होना जरूरी है, तो ब्रजभाषा का भी मिलावट जरूरी होगा। तो आप लोग लीला के दर्शन करेंगे प्रेम के साथ बैठ करके। मौसम भी ढीला है, बारिश हो गई, देखो यज्ञ देव राजेंद्र भी प्रसन्न हो रहे हैं। यज्ञ भगवान में बारिश का होना आवश्यक है, कहते हैं जिस यज्ञ में बारिश नहीं होती है वह यज्ञ सफल नहीं माना जाता है। परंतु यहाँ तो स्वयं इंद्रदेव भगवान प्रसन्न होकर के इतनी वर्षा कर रहे हैं कि आनंद कर रहे हैं। जल के बरसने से बड़ा सुख प्राप्त होता है, मनुष्यों के लिए अन्न पैदा होता है, पशुओं के लिए तृण पैदा होता है। तो बारिश नहीं होगी तो जमीन में पानी कहाँ से आएगा, बारिश का होना भी जरूरी है। तो आप लोग यहाँ प्रेम के साथ भगवान की लीला के दर्शन करें और अपना दान का उसमें छोड़ें। जय श्री राधे, एक भजन के द्वारा आप लोग उसके बाद लीला के दर्शन करेंगे। जय श्री राधे।